नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ गैंगरेप की शिकार एक पीड़िता परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी विवेचना में अपना नाम निकलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसको अगवा कर गैंग रेप किया गया है। इस मामले में उसने देवगांव कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यही नहीं, आरोपी अपना नाम निकलवाने के फिराक में है। पीड़ित ने एसपी से मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं एसपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि इस मामले में साइंटिफिक तरीके से जांच जारी है और जांच उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ 3 लोगों ने शारीरिक शोषण किया है हमारा, और हम पुलिस पे कंप्लेन लिखाए, वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, ना बात आगे बढ़ रही, इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो आज हमने कार्रवाई फिर शुरू की और हम सोच रहे हैं उन लोग को सजा मिले, अगली बार और किसी लड़की का ना हो, यही सोचकर हम सोच रहे हैं कि उन लोग को सजा मिल जाए। ये आपके साथ घटना किस दिन घटी थी? घटना 6 तारीख को घटी थी। मुकदमा लिखा गया है? यस सर। लेकिन कार्रवाई अभी नहीं हुई है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि उन लोग को सजा मिले, जिसमें से उन लोग का नाम, एक लोग का नाम रोहित सरोज है और राम सरोज है और प्रदीप यादव है। हम सोच रहे हैं कि तीनों लोग को सजा मिले, आगे जाकर उन तीनों लोग और किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए दोबारा। तीन ही लोग हैं? नहीं, 3 ही लोग हैं। आज इसके साथ मिले क्या आश्वासन मिला? वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, हम इस पर जाँच पड़ताल करेंगे, उनकी मोबाइल का नंबर निकाल कर ट्रैक लोकेशन पर डालेंगे और उनको जल्दी 2-3 दिन में पकड़ कर लाएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।